हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं। और आज है तीज, यानी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उस दिन है तीज। तो आप सभी को तीज की ढेरों शुभकामनाएँ मेरी तरफ से। ये व्लॉग तो खैर पुराना है, मंडे का है, मॉर्निंग से शुरू किया है मैंने, बच्चों का लंच बॉक्स बना रही हूँ। अभी जब से मॉनसून लग गया है ना, तो सुबह में जो पानी पीती हूँ मैं, वो मैंने लूकवॉर्म लेना वापस से शुरू कर दिया है। पिछले वक्त जब गर्मी थी पिछले दिनों, तब मैंने बंद कर दिया था और डिटॉक्स ड्रिंक भी मैं नहीं पी रही थी क्योंकि इतनी गर्मी थी, पिया ही नहीं जा रहा था। लेकिन अभी मॉनसून है, हल्की ठंडक रहती है सुबह में, और आगे आगे सर्दी होगी तो फिर गर्म पानी वापस मेरा शुरू हो जाएगा। और मैं ले रही हूँ मेरी मॉर्निंग की जो डोज रहती है थायराइड की, वो फटाफट से डब्बा बनाया। हस्बैंड थोड़ी थोड़ी हेल्प कराते ही रहते हैं, वो टिफ़िन पैक करवा रहे हैं बच्चे लोगों का, उनको ड्रॉप कर आए हैं वो, और यहाँ पे मैं हम लोगों का ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये हमारी डील होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, 10 में से 9 बार ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि चल तू फटाफट पराठे छाप ले, मैं साइड में चाय बना देता हूँ। तो बातें करते करते ये वक्त कैसे गुजर जाता है ना, ये 30-40 मिनट बड़े मज़े के होते हैं। हर सुबह हम लोग प्लान करते हैं दिन भर में क्या करना है, आज उनको क्या काम है, मेरे को क्या काम है, एंड क्योंकि उसके बाद फिर सारा दिन तो हम लोग अलग अलग अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं। रात को वो आते हैं, काफ़ी लेट आते हैं, और आजकल तो शाम में भी फुर्सत नहीं है, वो घर आते हैं और फिर ढेरों उनकी कॉलें वगैरह चलती रहती हैं। जस्ट अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और ब्रेकफास्ट के बाद मैं लेती हूँ मेरा प्रोटीन पाउडर। लास्ट मंथ किसी वक्त मैंने आपको दिखाया था कि मैं ये प्रोटीन पाउडर यूज़ कर रही हूँ, इसे यूज़ करते हुए मुझे 1.5 महीना हो चुका है एंड आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं ये लेती हूँ, एक्चुअली दिन में 2 बार लेती हूँ, एक बार सुबह एक बार शाम। और मैं है ना, क्योंकि दूध नहीं पीती तो मैं इसको पानी में ले रही हूँ, बट आप प्रोटीन पाउडर दूध में लेंगे ना तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो, या आप चैनल से नए जुड़े हो, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ विच प्रोटीन पाउडर आई यूज़, क्योंकि फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं कि दीदी प्रोटीन पाउडर का नाम बता दीजिए। तो आई यूज़ फाइटिका डेली प्रोटीन पाउडर, ये है ना वेज है और वनीला फ्लेवर में है। ये वनीला फ्लेवर में है ना, तो एक तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, दूसरा ये इजी टू डाइजेस्ट है, और मैं आपको बताऊँ ये है ना माल्टोडेक्सट्रिन फ्री है। मार्केट में जो और दूसरे बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक्स मिलते हैं उसमें माल्टोडेक्सट्रिन होता है, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर आर हेल्थ, लेकिन इसमें ना माल्टोडेक्सट्रिन है ना ही कोई एडेड शुगर है। और मज़े की बात यह है कि इसे मेल फीमेल दोनों ही कंज्यूम कर सकते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही इसे पीते हैं, और अगर रिजल्ट की बात करूँ तो मुझे इसे यूज़ करते हुए लगभग हो चुका है 1 से 1.5 महीना। और अभी मैं आपको बता सकती हूँ कि पहले है ना मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लीथार्जी फील होती थी, बट अभी मुझे उतना थका थका फील नहीं होता, मेरे एनर्जी लेवल्स मेंटेन्ड है, उस तरह की लीथार्जी थ्रू आउट द डे अब मुझे फील नहीं होती है। दिन में 2 बार दूध के साथ लेने से आपका 50% ऑफ डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। और आपको तो पता ही होगा मोस्ट ऑफ अस इंडियंस एंड स्पेशली वेजिटेरियंस आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन। आपको मालूम है एक अडल्ट बॉडी को ना जितना बॉडी वेट है तो पर किलोग्राम के लिए 1 ग्राम प्रोटीन की डेली आवश्यकता होती है, जो कि हमारी बॉडी है ना फुलफिल नहीं कर पाती, और इसी की वजह से लो एनर्जी लेवल्स फील होते हैं। साथ ही इसमें है गुडनेस ऑफ 37 एसेंशियल विटामिंस, मिनरल्स एंड अमीनो एसिड्स एंड पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब्स लाइक मोरिंगा, अश्वगंधा एंड गोक्षुरा। एंड फाइटिका डेली प्रोटीन इज अवेलेबल इन 3 डिफरेंट टेस्ट, एक तो ये है जो मेरे पास है वनीला, और आपको मिलेगा कुल्फी एंड चॉकलेट फ्लेवर भी, और इसको कंज्यूम करना भी बिल्कुल आसान है। 200 मिल्क या वाटर में 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर ऐड करें, अच्छे से मिक्स करें और पी लें। और हाँ, अगर आप
प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग मदर हैं तो आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि आपके डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर आपको कुछ भी कंज्यूम नहीं करना है। फाइटिका डेली प्रोटीन इज सूटेबल फॉर ऑल इंडियन अडल्ट्स। ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है और मेरे हिसाब से आपको इसे ट्राई ज़रूर से करना चाहिए। आप इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो या आप इसे बाय करना चाहते हो तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो। आपकी कन्वीनियंस के लिए इसका जो लिंक रहेगा वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी। तो चलिए मैं फटाफट से अपना प्रोटीन ड्रिंक फिनिश कर लेती हूँ और बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। पता है क्या हुआ, हम लोग है ना बातें कर रहे थे तो मैं हस्बैंड को बता रही थी कि यार पता है आटा ख़त्म हो गया, मेरे को ब्लिंकिट से आटा मंगाना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि डीमार्ट कब खुलेगा, तो ही वाज लाइक कि 10 बजे खुलता है। मैंने कहा नहीं, शायद 10 बजे से पहले खुलता है, आइडिया नहीं था। तो फिर हम लोगों ने गूगल किया तो वहाँ पर ओपन बता रहा था और ये शायद सुबह 8 बजे ही खुल जाता है। तो फिर बड़ी खुशी हुई मुझे, मैंने पति देव को बोला कि चलो एक चक्कर लगा के आते हैं, ज़रूरी सारा सामान उठा लाएंगे। एंड ही वाज ऑल्सो ओके, क्योंकि सुबह भीड़ नहीं होती, उनको भीड़ की वजह से डीमार्ट या किसी भी और ऐसी जगह जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर सुबह में एकदम खाली खाली खुला खुला था तो आधे घंटे में तो हम लोग घर वापस भी आ गए। हम लोग जाने से पहले डब्बा बाहर रख गए थे, भैया ले गया। और डी मार्ट से ये थोड़ा बहुत सामान मैं लेकर आई हूँ, साथ में आज सुबह कोई फ्रूट नहीं था, एक ये थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा ब्रिटानिया का ऑफर में था तो मैं ये ले आई। तो आज कोई फ्रूट नहीं था तो फ्रूट लेकर आई हूँ, ये 2 kg ड्रैगन फ्रूट, ये पिंक वाले हैं, एंड देन थोड़े से प्लम, तो 2 kg ये है। और साथ में लेकर आई हूँ मौसमी, क्योंकि अभी अच्छी मिल रही है, ये सीज़न है मौसमी का जूस के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है कोरोना ईयर था ना, मतलब 2020, तो उससे 2 साल पहले मेरे को डेंगू हुआ था। और उस वक्त है ना सभी लोग सजेस्ट करते थे कि ड्रैगन फ्रूट खाओ अच्छा रहता है डेंगू में, रिकवरी में। तो फिर मेरे पति देव ढूंढ ढूंढ कर लाते थे ड्रैगन फ्रूट, उस वक्त इतना ईजिली मिलता नहीं था हमारे यहाँ पर, बहुत कम जगह मिलता था, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता था। लेकिन सून आफ्टर गुजरात में ही इसका कल्टिवेशन शुरू हो गया है ना, तो अभी ईजिली मिल जाते हैं, बेटर मिलता है, लाइक बेटर टेस्टिंग, फ्रेश और काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाते हैं। ये जो ड्रैगन फ्रूट मैं लेकर आई थी लॉट, ये शायद 80 रुपये किलो था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। गुड मॉर्निंग, और काफ़ी मॉर्निंग ही है अभी, कुछ 10:30-11 का टाइम है और सुबह से मेरे बहुत सारे काम निपट गए। बच्चे लोग जा चुके हैं स्कूल, हस्बैंड शावर ले रहे हैं, पतिदेव ने नाश्ता कर लिया, उनका चाय पराठा सब्ज़ी सब हो चुका है, मैंने एक ड्रैगन फ्रूट काट के दे दिया था, तो वो टिफ़िन लेके नहीं जाते हैं, खा के जाते हैं, तो वो हो गए हैं सेट। अभी चले जाएंगे वो तैयार होके ऑफिस, और मैं ये है ना सारा सामान जगह पे लगाऊंगी। तो फिर मुझे याद आ गया, मेरे कुछ एक फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगता है ग्रॉसरी शॉपिंग देखना, वैसे मैं ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं लाई हूँ, ग्रॉसरी जब मुझे लानी होती है 4-5 बैग उस दिन हो जाते हैं, तो वो ज़्यादातर हम लोग दोपहर में और शर्मा जी की छुट्टी होती है उस दिन ही जाते हैं। कभी कभी मैं शानू खुशी चले जाते हैं, कभी कभी मैं अकेली भी चली जाती हूँ, बट वो बहुत कम होता है क्योंकि बहुत सारा सामान होता है, एक दो बंदे इनफ नहीं पड़ते सब उठाने के लिए, मतलब पार्किंग से ऊपर तक लाने में एंड वहाँ अंदर से भी, वहाँ तो खैर ट्रॉली होती है डीमार्ट में, बट स्पेशली पार्किंग से ऊपर तक लाने में काफ़ी ज़्यादा लग जाती है मेहनत। तो जिस दिन हम सभी अवेलेबल होते हैं मैं ज़्यादातर उसी दिन रखती हूँ, तो सब लोग हेल्प कर देते हैं। एक्चुअली आज क्या हुआ, मैंने सुबह आटा लगाया था ना, तो आटा बस इतू सा बचा है, लेकिन मुझे फिर कल के लिए चाहिए होगा, तो तब के लिए आटा इनफ नहीं है। तो पता नहीं वो कहाँ चला गया यार, बिल मैं सोची थी उसी में से पढ़ पढ़ के दिखा दूँ, पर मैं 2 आटा लेकर आई हूँ, ज़्यादा मेजर कुछ सामान नहीं है, 2 आटा है, रेगुलर वाला जो राइस होता है ये वाला, ये लेकर आई हूँ। और ज़्यादातर यहाँ पे हाँ, आज मुझे है ना मॉलकिस्ट मिल गया वहाँ पे, मुझे नहीं एक्चुअली शर्मा जी को दिख गया था, तो उन्होंने ये भी ले लिए हैं 2-3। उसके बाद फिर बच्चे लोग की पसंद है ओरियो, तो वो लेकर आई हूँ, और एंड मैं डेली के लिए सोना मसूरी लेकर आई हूँ, आई रेड समवेयर की शॉर्ट ग्रेन राइस, और वो भी सोना मसूरी अच्छा रहता है डेली में यूज़ करने के लिए। मैं एक्चुअली दूध भी लेकर आई थी, तो दूध मैंने बॉइलिंग पे चढ़ा दिया है, दूध, बटर, दही, फ्रोज़न मटर, ये सब भी लेकर आई थी, वो मैंने आते ही रख दिए थे फ्रिज में, क्योंकि
बेकार में टेम्परेचर राइज हो फिर फ्रीज करें तो उससे क्वालिटी जो है थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो वहाँ पर है ना जो मिल्की मिस्ट दही है वो 80 रुपीज़ का मिल जाता है, जबकि मैं ब्लिंकिट से भी मंगाती हूँ तो 138 का पड़ता है। तो फिर मैं इसलिए वहाँ से दो ले आई। और मुझे किसी ने पूछा था कि आप ये जो डब्बा है मिल्की मिस्ट का, इसको एक बार खोल लेते हो तो हाउ डू यू यूज़ इट, तो उस पर है ना डेट लिखी हुई है। जैसे मैं आज जो लेकर आई हूँ, आज क्या है, चार पाँच अगस्त है आज, पता नहीं क्या तारीख है, तो उस पर लिखा हुआ है 1 सितंबर तक वो चलेगा। तो खोल लेने के बाद डेयरी पर उसको 3 से 4 दिन में आप कंज्यूम कर लें। तो मेरा इतना दही तो यूज़ हो जाता है। दही मैं हमेशा घर में ही बनाती हूँ, लेकिन मैं जब भी डी मार्ट जाती हूँ या मुझे अर्जेंसी होती है तो मैं ब्लिंकिट से भी मंगा लेती हूँ, बट ज़्यादातर मैं डी मार्ट से जाती हूँ। तो जब से मिल्की मिस्ट वो रखने लगे हैं मैं ये लेकर आती हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरी फैमिली में सबको अच्छा लगता है इसका टेस्ट। तो और मैं लेकर आई हूँ ये 10 किलो का ही है ये बैग, मौसमी, अभी मौसमी अच्छी आ रही हैं और मौसमी का जूस इज़ गुड। और बहुत दिन से मेरा जूसर यूज़ भी नहीं हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर बाकी सब फ्रूट्स हम लोग काट कर खा लेते हैं, सिर्फ एक मौसमी ऐसी है जिसका जूस ही बनता है, क्योंकि इसे कैसे और खाएंगे। तो अभी जूसर निकाल दूंगी मैं, अभी ये जो मौसमी है ये यूज़ होंगी। बच्चे लोगों को ड्रैगन फ्रूट पसंद है, इसलिए 2 kg मैं ले आई थी, बस फ्रूट इतना ही। आज सुबह वो लोग कोई फ्रूट लेकर नहीं गए क्योंकि था ही नहीं, कल हम लोग गए नहीं बाहर, टाइम ही नहीं मिला। वरना संडे को, आज मंडे है तो आज शायद 5 तारीख है, वरना संडे को हम लोग ले ही आते हैं सामान। और बस इतना ही है। हाँ, गार्बेज बैग ख़त्म हो रखे थे मेरे, वैसे तो है मेरे पास, मैंने प्रेस्टो का अमेज़ॉन से मंगाया था, तो वो ऐसे रोल रोल होता है ना, वो मैं यूज़ करती हूँ। पर मैं ना जब भी डी मार्ट जाती हूँ वहाँ से गार्बेज बैग ले ही आती हूँ, तो वही मैं यूज़ करती हूँ। पर जब वो ख़त्म हो जाता है और फिर टाइम नहीं होता मेरे पास जाने का, तो उस ड्यूरेशन में वो जो प्रेस्टो के रोल वाले आते हैं वो मैं यूज़ करती हूँ। वो है ना मेरे बिन में प्रॉपरली आते नहीं है ठीक से, मतलब वो ज़्यादा कचरा इकट्ठा नहीं करते, वो थोड़ा जो बिन है मेरा थोड़ा सा बड़ा है, थोड़े से छोटे बिन हो तो उसके लिए वो अच्छा है। तो ये सारा सामान मैं फटाफट से लगा देती हूँ जगह पर। और हाँ, एक ये वाला बिस्किट, ये बहुत ज़्यादा, इट्स नॉट बिस्किट, इट्स पाई, यम फिल पाइज, ये भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है मेरी फैमिली में। आजकल ये शायद 3रा पैकेट है, लास्ट मंथ मंगाया था, उससे लास्ट मंथ भी मंगाया था। लाइक आई रेस्ट्रिक्ट कि बस इंटेलिजेंस भी है तो लिमिटेड होनी चाहिए। ये एक पैकेट इस महीने के लिए, इसके बाद ये और अगले महीने आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ पसंद है तो वो नॉन स्टॉप आए जा रहा है। और हाँ, एक ये मैगी मसाला का पैकेट भी मैं लेकर आई हूँ। बाकी मैं ना खजूर ढूंढ रही थी, वहाँ पे अच्छे खजूर थे ही, खजूर थे ही नहीं, बहुत कम थे वहाँ पे, तो मुझे अच्छे खजूर चाहिए, तो अब मुझे वो अमेज़ॉन से ऑर्डर करने पड़ेंगे। पिछले कुछ वक्त से ना मैंने पैंट्री में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, मतलब चीज़ें आ रही हैं, रखी जा रही हैं, यूज़ हो रही हैं और डब्बा कहीं का कहीं रखा जा रहा है। पिछले दिनों पैंट्री तो छोड़ो, मुझे खुद का ही कुछ ख्याल नहीं था, लेकिन अभी मैंने खुद को गैदर अप किया है थोड़ा, अभी मैं अच्छा फील कर रही हूँ। आज मैंने प्लान किया कि भाई टाइम है मेरे पास, दोपहर का वक्त हो रहा है इस वक्त, शानू आ चुकी है, खुशी का आने का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा वक्त लगेगा, मैं ये पैंट्री सॉर्ट कर लेती हूँ। आज सुबह भी मैं सामान ले आई थी तो वो भी मुझे लगाना ही था, तो इससे पहले कि मैं वो अरेंज करूँ थोड़ा सा क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग हो जाए तो अच्छा है। शानू घर पे थी तो मैं थोड़ी थोड़ी उससे बातें कर रही थी, थोड़ा हम लोग म्यूज़िक सुन रहे थे, तो काम जल्दी हो गया, आसानी से हो गया। तो मैंने फटाफट सारी चीज़ें रिफ़िल करना शुरू किया, चीज़ों को वापस रखने से पहले वाइप करना शुरू किया। मैं है ना कभी भी पैंट्री का काम एक दिन के लिए लेकर नहीं बैठती हूँ कि सुबह से शाम तक सारे डब्बे साफ करके एंड ऑल दैट, उस हिसाब से करूँगी। डब्बा मेरा जैसे जैसे खाली होता जाता है वैसे वैसे मैं उसे धोकर ही वापस रिफ़िल करती हूँ। ऐसा बहुत कम होता है कि वो महीनों से इसी तरह रिफ़िल हुए जा रहा है। अभी ये वाले जो कंटेनर्स हैं बड़े बड़े, और इसमें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी क्वान्टिटी नीचे रह गई थी, तो इनको मैंने अलग नहीं किया। हाँ, एक साइड में मैंने इनको खिसका दिया है क्योंकि ये इधर ही से खाली होना शुरू होंगे तो ये ग्रेन्स यूज़ हो जाएंगे। वैसे भी राइस एंड आटा में उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, ये मेरा बहुत महीनों रहेंगे ऐसा भी नहीं है। हाँ, राइस में मैं बे लीफ ज़रूर ऐड कर देती हूँ, इससे राइस में बिल्कुल कीड़ा वीड़ा नहीं लगता है। और चीनी में मैंने लौंग डाल रखी है ढेर सारी, क्योंकि हमारे यहाँ चींटियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो लौंग मुझे डालनी ही पड़ती है, वरना लाल मिर्ची में भी चींटियाँ हो जाती हैं हमारे यहाँ पर।
और ये जो येलो येलो स्टेन्स आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली ग्लू के स्टेन है। ये स्क्रेप करने से निकलेंगे, ये वाइप करने से, स्क्रब करने से नहीं निकलते हैं। तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, बट ये नहीं निकल रहे, तो क्या करें, बस क्लीनिंग तो हो गई ना। और उसके बाद फिर मैं सारी चीज़ें जगह पर लगाना शुरू करूँगी। आज आई डिसाइडेड कि थोड़ा सा लुक एंड फील चेंज कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा चीज़ें इधर से उधर कर देना तो थोड़ा फ्रेशन अप हो जाता है। बेडरूम में, रूम में, मतलब घर में, पैंट्री में, हर जगह आप ऐसा कर सकते हो, आपको एक फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस आएगी जो कि अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि फाइन शुगर मैं कौन सी यूज़ करती हूँ, तो ये वाली आजकल यूज़ कर रही हूँ, पैरिस ब्रांड की है ये, अमेज़ॉन से मैंने खरीदी थी। ये 1+1 आती है, मतलब आपको 2 पैकेट मिनिमम लेने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर वो डिलीवरी चार्जेस लेते हैं। तो मैंने मंगाई थी, तो मैंने 2 साथ में मंगा ली थी, एंड इट्स गुड। एक तो रीज़नेबल भी है, बाकी सारे कई सारे ब्रांड जो मैंने पहले यूज़ किए हैं उससे सस्ती पड़ती है ये, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो आप अगर सुपर फाइन शुगर यूज़ करते हो किसी भी फॉर्म में, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। और यह है पीनट्स, एक्चुअली भरूच से हमारे कुछ फ्रेंड्स आए थे, तो वहाँ पर है ना पीनट्स बहुत फेमस है, वहाँ तरह तरह की पीनट्स मिलती हैं। तो ये 3 तरह के वेरिएशन वाली पीनट्स लेकर आए थे एज गिफ्ट। तो एक तो हम लोगों ने पैकेट खोल लिया था, मिंट वाली थी वो तो यूज़ हो चुकी, अभी ये 2 पैकेट बचे थे, तो मैं इनको अच्छी तरह से स्टोर करके रख दूँगी। और ये वाला जो डब्बा आप देख रहे हो ना, ये मायर्स का है, एयर टाइट है, बहुत ही अच्छा है। मेरा मन तो था पैंट्री में यही वाले भर दूँ सारे, बट बड़े महंगे हैं यार, तो एक के बाद दूसरा खरीदने की मेरी हिम्मत नहीं हुई है। वैसे टॉप नॉच क्वालिटी। The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. और पिछले किसी व्लॉग में भी मैंने बताया था, बट आप में से कई लोगों ने शायद वो व्लॉग नहीं देखा हो, तो मैं आपको बता दूं, ये इंडिया गेट यस, इसका गोविंदभोग राइस आता है, एंड कंपैरेटिवली काफ़ी कम प्राइस का आता है ये, तो आप ट्राई कर सकते हो। वैसे गोविंदभोग बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, हमारे यहाँ लोकली तो मिलता ही नहीं, मुझे तो अमेज़ॉन से ही मंगाना पड़ता है। ये भी अमेज़ॉन से ही मैंने मंगाया है। आगे फेस्टिवल्स हैं ना, तो फेस्टिवल में खीर वीर ये राइस की बहुत ही अच्छी बनती है। किसी ने मुझे पूछा था कि गोविंदभोग राइस क्या है, तो इट इज़ जस्ट अ वराइटी ऑफ राइस। मैंने भी लेटली ही लाइक 2 साल से यूज़ करना शुरू किया, उससे पहले मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था। मैंने ना ये एक बड़ा सा कंटेनर रखा हुआ है पैंट्री में। कई सारे पैकेट ऐसे होते हैं जो मैं बड़े ले आती हूँ, जैसे कि ये धनिया ही हो गया, ज़ीरा भी मैं 1 किलो का लेकर आई थी पिछली बार जब डी मार्ट गई थी। तो ये सारा तो एक बार में यूज़ नहीं होता, तो थोड़ा थोड़ा रिफ़िल होते रहते हैं कंटेनर, और जो बच जाता है उस तरह की सारी चीज़ें मैं इस वाले बड़े से कंटेनर में स्टोर कर देती हूँ, या कोई पैकेट एक्स्ट्रा हो तो वो भी, तो ये अच्छा रहता है। एक ही है, एक ही की मुझे ज़रूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो कॉर्न आप देख रहे हो, ये पॉपकॉर्न वाले कॉर्न है, और ये अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता ही होगा, हम लोग हैं ना, मतलब मेरे बच्चे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा शौकीन है पॉपकॉर्न खाने के, और वीकेंड पे तो ज़रूर से बनी ही जाती है एक बार, तो जब हम लोग मूवी वगैरह देख रहे होते हैं सारे बैठ कर। तो पहले है ना, हम लोग वो एक्टू वगैरह पॉपकॉर्न इस्तेमाल करते थे, बट 2 things, 1 वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, और दूसरा उसमें ना बटर वगैरह पहले से मिल के आता है, तो कभी कभी ना ऑफ सी स्मेल आती है उसमें, तो मैंने वो लाना बिल्कुल ही बंद कर दिया बहुत सालों से, 7-8 सालों से मैं बिल्कुल नहीं लाती एक्टू। ये जो कॉर्न है ये डी मार्ट में मिल जाती है, एंड बड़ी सस्ती 20-25 रुपये की 100 ग्राम मिल जाती है, जो कि काफ़ी रीज़नेबल है इन कंपैरिजन टू एक्टू। और क्योंकि ये ड्राई रहती है, तो कई महीने भी आप इसे स्टोर कर सकते हो, उसमें कोई स्मेल नहीं आती, तो ये विन विन सिचुएशन है हर तरह से। तो मेरा अभी जो पॉपकॉर्न का कॉर्न है वो डी मार्ट से ही आता है। और ये देखो, शौक बड़ी चीज़ है वाली कहानी। तो शुगर क्यूब्स का किसी भी तरह इस्तेमाल नहीं होता मेरे घर में, लेकिन मेरे हस्बैंड को शौक लगा था, तो उन्होंने ये मंगा लिए थे, तो ये धीरे धीरे अभी यूज़ हो रहे हैं।
और ये देखिए पैंट्री साफ और ऑर्गेनाइज हो गई है, लुक एट दिस। तो यहाँ से भी पूरा दिखता है कि पीछे क्या रखा हुआ है। अच्छा लग रहा है, साफ हो गया। कई दिन से मेरे टू डू लिस्ट में था ये, और मैंने ये चीज़ें इधर शिफ्ट कर दी हैं एंड इसको भी इधर शिफ्ट कर दिया है। अभी सामने से ये अच्छा दिख रहा है एंड हर चीज़ मेरी आंखों के सामने होगी, जितनी भी ग्रॉसरी है। पहले मैंने ये सब सामान है ना इधर रखा था, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो ही जाता था। बाय द वे ये वाला जो कंटेनर है, दो मेरे बिगड़ गए, ये 6 थे, और ये मैंने अमेज़ोन से खरीदे थे। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं इसलिए मैं यहीं पे बता देती हूँ, ये और ये मैंने अमेज़ोन से खरीदे थे। आप वाइट लिड कंटेनर, वाइट लिड किचन कंटेनर डाल के लिखोगे ना, आपको मिल जाएगा। ये पम्पकिन जार भी अमेज़ोन से लिए थे, और ये शेज़वान चटनी के डब्बे हैं, तो ये मैं इनको ख़त्म हो जाने के बाद ऐसे पेंट कर लेती हूँ। देन ये मीशो से लिया है, इस तरह के हैं ये वाले भी मीशो से लिए हैं, ये डी मार्ट से लिया था, और ये वाला जो है ये आइकिया से लिए हैं, ये डी मार्ट से, और ये तीनों भी आइकिया से लिए हैं। नाइस, लाइक आई एम हैप्पी। और मैंने इसके यहाँ पे भी ये रोटेट होता है, ये रखा हुआ है कॉर्नर में सो दैट चीज़ें दिखती रहें। एंड यहाँ पे भी ये मेरा ऑयल एंड एवरीथिंग का, ये भी रोटेट होता है, ये भी इस कॉर्नर में मैंने रख दिया है सो दैट मतलब कॉर्नर यूटिलाइज हो जाए। मैंने ना वो कारपेंटर भैया को बोला था कि यहाँ पे ना आप ऐसे वाले 5 स्लैब लगाना तो वर्टिकल स्पेस मेरा ठीक से यूटिलाइज हो जाएगा, बट उन्होंने 4 ही लगाए, तो अभी फिर इस तरह थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है, तो आई हैव टू यूज इट दिस वे। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, मैंने रात में सब्ज़ी के लिए ऑर्डर डाला था। एक्चुअली ये जो सब्ज़ी वेंडर है ये हमारे पड़ोस में ही एक भैया हैं, उनको अगर मैं रात में मैसेज कर देती हूँ तो सुबह वो दे जाते हैं, और बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि एकदम फ्रेश वो देकर जाते हैं। मतलब लाते होंगे अपनी शॉप के लिए जो भी सब्ज़ियाँ, तो फ्रेश ही आती है, तो उसमें से जो जो उनके पास फ्रेश अवेलेबल होता है वो मुझे दे देते हैं। जैसे मैंने पालक भी मंगाया था बट होगा नहीं अच्छा, तो उन्होंने नहीं भिजवाया। एंड सब्ज़ियाँ मैं चेक कर रही हूँ, एक एक सब्ज़ी मेरे दिल को भा गई, स्पेशली मशरूम, इतने बढ़िया फ्रेश वाले उन्होंने भेजे, देखकर मन ही खुश हो गया। मशरूम इज़ माय रीसेंट लव, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है मशरूम इन एनी फॉर्म एंड काइंड। पहले नहीं बनाती थी मैं, पहले कभी कभार लाती थी कि बहुत बढ़िया कहीं अच्छा दिख गया, तो मशरूम बहुत प्रोटीन रिच रहता है तो खाना चाहिए, डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, वो माइंडसेट से मैं ले आती थी। बट उतना मुझे देखो बनाना भी नहीं आता था, सच बोलूँ। हर इंग्रेडिएंट के साथ आप धीरे धीरे खुलते हो, धीरे धीरे उसको समझते हो, फिर ही आप उसके साथ ट्रायल्स वगैरह कर पाते हो, अपने टेस्ट के हिसाब से उसको बदल पाते हो। तो मशरूम के साथ वो कहानी पहले नहीं थी, बट अब मैं उसकी पूरी पर्सनैलिटी समझ गई हूँ और मैं उसे हर बार अपने टेस्ट के हिसाब से बना लेती हूँ। एंड आई जस्ट लव 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 इट। सारी खुशी को भी बड़ा पसंद आता है। मिर्चियाँ भी मंगाई थी मैंने, देखो कितनी बढ़िया फ्रेश मिर्चियाँ हैं, तो ये भी मैंने स्टोर कर ली है, और बस अभी शानू खुशी का आने का टाइम हो रहा है। तो मैं एक्चुअली, शानू तो आ ही गई थी, वो जल्दी आ जाती है, खुशी से 1-1.5 घंटा पहले ही आ जाती है, तो उसको आके उतनी भूख वूख नहीं लगती। तो मैं ज़्यादातर इस वक्त पे खाना बनाना शुरू कर देती हूँ लंच का, कि खुशी आएगी तो उसके साथ बैठकर ही सानवी खाती है। मैं पहले से भी बना के रखूँ, वो रिफ्यूज़ करती है कि नहीं मैं खुशू के साथ ही खाऊँगी, तो मैंने फटाफट से लंच बनाने की तैयारी शुरू कर दी है।
आज सुबह चाय नहीं पी थी तो अभी चाय पीने का मन हो रहा था, तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी दूध पत्ती ही बना ली है और जो थोड़ी सी खिचड़ी रखी हुई थी उसको डाल करके आटा गूंद लिया था, तो उसके ऊपर आटे सेक दूंगी। सिंपल सी लौकी और पनीर की सब्ज़ी मैंने बना ली है, रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर करी क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल सी बनाई है। मेरे घर में ना सब लोग बड़े चाव से लौकी खा लेते हैं, बट मेरे बहुत सारे व्यूवर्स पसंद नहीं करते कि आप लौकी की बहुत रेसिपीज़ बार बार देती हो। अबे यार क्या कर रहे हैं, लौकी इतनी बढ़िया चीज़ है ना, एक तो हेल्दी है, ऊपर से मल्टीपर्पज़ है, मीठा बना लो, हल्की सी सब्ज़ी बना लो, हैवी सी सब्ज़ी बना लो, हर चीज़ कुछ ना कुछ लौकी से बनी जाती है। तो इसलिए मैं ले आती हूँ और आपके साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। आज वाली एकदम सिंपल थी, बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट, सिंपल मसाले करके कुकर में मैंने 2 सीटी डाल करके हल्की हल्की सी पानी वाली सब्ज़ी बना ली थी, पर ये पराठे के साथ ना बड़ी अमेजिंग लग रही थी, इतने सॉफ्ट एंड टेस्टी ये पराठे बने थे। इसको तो ना दही, अचार और चाय के साथ ऐसे भी खाया जा सकता है, बट पराठा ना हल्की हल्की सब्जियों के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। यह है मेरी थाली, सब्ज़ी पराठा साथ में दही और थोड़ा सा जागरी पाउडर मैंने ले लिया है। गुड इवनिंग, शाम की शिफ्ट शुरू कर रही हूँ मैं और मैं बनाने वाली हूँ घी। तो आई थॉट कि अभी का जो दूध है ना इसके ऊपर जो मलाई है इसको भी ले ही लेती हूँ। तो मेरा जो स्टैंड मिक्सर है ना उसके अंदर मैं फटाफट से इसको चर्न करने के लिए रख दूँगी और फटाफट से बटर निकल आएगा। और ये एक बहुत अच्छा टिप है, मैं आपको बताऊँ, ये दूध का पतीला अगर आप मेरी तरह यूज़ करते हैं तो इसमें दूध उबालने के बाद मलाई इस तरह जम जाती है, तो स्पैचुला इज़ द बेस्ट थिंग टू स्क्रेप द मलाई ऑफ, बड़ी आसानी से सारी मलाई निकल आती है। Somebody was asking कि इसमें कैसे करते हैं, तो सिंपल है, सिर्फ आपको इस अटैचमेंट का ध्यान रखना है, वो जो डो नीडर होता है ना वो लगा के मत करना, उससे नहीं होगा, और बलून विस्ट से भी उतनी अच्छी तरह से नहीं होता, पेडल मैंने करके देखा है, दिस वन सूट्स द बेस्ट। मशरूम मैंने क्लीन कर लिए थे क्योंकि मेरे दिमाग में यही हो रहा था कि यार मशरूम मेरे को यूज़ करने हैं, बिकॉज़ क्या होता है ना ये फ्रेशली आप ख़रीदो, फ्रेशली कंज्यूम कर लो तो बहुत अच्छे बनते हैं। सेम गोज़ विद भिंडी, भिंडी भी आपने अभी लाई है, अभी उसको बना लें तो बहुत टेस्टी बनती है, और आप 2-3 दिन फ्रिज में रख के देखें तो थोड़ी अलग उसका टेस्ट लगता है। तो ये चीज़ें मैं तभी मंगाती हूँ जब मेरे टू डू लिस्ट में हो कि हाँ आज मुझे इससे कुछ बना लेना है। तो मशरूम आप देखें कितने बढ़िया सफ़ेद सफ़ेद हैं, मैंने ये चॉप कर लिए हैं। साइड में शानू पास्ता बनाने की तैयारी कर रही है, तो हम लोगों ने मशरूम पास्ता खाया था रात में, मैंने और शानू ने मिलके बनाया था। और देखो पति देव घर आए हैं गिफ्ट लेकर के, मुझे पता है ये क्या है, ऊपर से पढ़ करके सबको पता चल गया क्या है। आनंद आ गया क्योंकि ऑब्वियसली अब ये रहेगा इसी तरह से जब तक मानसून है। एक्चुअली शानो खुशी के लिए घड़ी है इसके अंदर, हम लोग डिसाइड कर रहे थे, हम लोगों ने सोचा था इन लोग को घड़ी दिलाएंगे, 2 साल इनकी शायद 3rd या 4th घड़ी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, दिखा। अच्छा वैसी ही ले आए, ग्रीन है ये, हाँ ये शानो का फेवरेट कलर है, सेज है ये, सेज, हाँ सॉरी, हाँ इट्स अ सेज। और एक्चुअली हम लोग है ना उन लोगों के पास अभी तक जितनी भी थी डिजिटल थी और वो चार्ज करने के हिसाब से कई बार खराब हो चुकी है, तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि सिंपल एनालॉग घड़ी ला देते हैं, कोई चार्जिंग का दिक्कत ही नहीं। तो अब ये टाइम सुबह में इतनी किचकिच होती है ना, और मतलब थोड़ा टाइम का उनको सिखाने के लिए, ये खुशी सेम ब्लैक नॉट ब्लैक ब्राउन, अच्छा ब्राउन क्यों लाए, अरे इसमें ना प्लेन में यही कलर था, फिर एक ब्लैक और रोज गोल्ड थी, मतलब ये रोज गोल्ड था, बड़ा सा है, लड़कियों की है, लड़कियों की है, ओके बेल्ट देखो ना, बेल्ट से पता चलता है, इतनी पतली बेल्ट लड़के नहीं पहनते, हाँ पर डायल में को बड़ा सा लगा। खुशी सान भी इधर आओ, खुशी आ, खुशी आओ,
खुशी आओ सानवी एंड खुशी पापा गिफ्ट लेकर आए हैं। चलो आ जाओ। किसको ग्रीन चाहिए किसको ब्राउन? देख लो अगर इसमें ब्राउन है तो इसको दे देना और इसमें ग्रीन है तो इसको दे देना। सेज सॉरी सेज दिखाओ ना। मैं पहना हूँ पहले तुम एक्सप्रेशन दो। देख तो लेने दो। इट्स नॉट फैंसी इट्स एनालॉग। ये ग्रीन ही लिया। इट्स ब्राउन। यो अच्छी है नहीं। मैं मेरे बच्चे को पहनाएगा। मेरे बच्चे का वक्त बदल गया। अच्छा वक्त है मेरे बच्चे का। और ये कितनी कितनी भी घड़ी है तुम्हारी? तीसरी फोर्थ तीसरी थर्ड। बच्चों के हाथ कितने पतले हैं यार। टाइट नहीं है ना? नहीं ढीली है। सब लोग पूछते हैं कि खुशी इतनी पतली क्यों हो गई। खुशी तुम इतनी पतली क्यों हो गई? तुम क्या कर रही हो बताओ? खुशी सब लोग पूछते हैं इसकी हाइट निकल रही है। सब लंबे हो जाए। ये बस अपने डैड से थोड़ी ही रह गई है। सुंदर दिखा पासा पासा। ये गर्ल्स की है ना उसका साइज तो मत जान। वेरी प्रिटी। मुझे भी डैड बड़ा सा लग रहा है। तुझे लग रहा है शानू? थोड़ा हाँ बट वो प्रॉब्लम मेरे हाथ पे सभी चीज बड़ी लगती है। इसके हाथ पे बहुत बड़ी लगती है। इसके हाथ में लाओ बेटा। खुशी है ना एक्चुअली पतली तो हो गई लेकिन बहुत प्रिटी हो गई है। तैयार होती है तब बहुत अच्छी लगती है। मेरे पे गई है ये। इसको बहुत ज्यादा शौक नहीं है तैयार होने का। यार लास्ट में आएगी इसके बिल्कुल। अरे मेरे पास भी एक घड़ी थी ना जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं भी उसको लास्ट में ही पहनती थी। इतनी पतली रिस्ट थी मेरी। मतलब अभी भी मैं थोड़ी फैट हूँ लेकिन मेरी रिस्ट अब भी पतली है। दिखा रहा पास लाना। सुंदर अच्छी लग रही है खुशबू का। यस ये देखो पापा का।